सोनभद्र के पीपरी थाना क्षेत्र के रेनकूट की खाल पाठक के जंगल में मिले मां बेटी के शव का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने बताया कि महिला का पति ही हत्यारा है। महिला के पति ने अवैध संबंधों में बाधक अपने पर पहले अपनी पत्नी और उसके बाद अपनी ही बेटी का गला दबाकर हत्या कर दी और दोनों के शवों को जंगल में फेंक दिया। पुलिस ने बताया कि हत्या का सुराग घटना स्थल पर मिले एक मोबाइल सिम से हुआ। सर्विस लांस की मदद से स्वाट टीम ने हत्यारे को छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार कर लिया। सोनभद्र की स्वाट टीम ने घटना स्थल पर मिला मोबाइल सिम को जब सर्विस लांस पर लगाया, पता चला इसका संबंध छत्तीसगढ़ के वाड्रफ नगर से है। आरोपी को छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी ने बताया कि उसका एक दूसरी महिला से संबंध था जिसका विरोध उसकी पत्नी करती थी। इससे अजीज आकर उसने अपनी पत्नी को सोनभद्र के रेनकूट के खार पाथर जंगल लाकर गला दबाकर हत्या कर दी और बच्ची को भी मार डाला, जिससे हत्या का गवाह भी ना बचे। लेकिन घटना स्थल पर उसका मोबाइल सिम गिर गया, जिससे पुलिस ने उसे धर दबोचा। मारने के नहीं मैं सोचा था सर, लेकिन बाद में पता नहीं क्या हो गया। पत्नी को मारने के लिए ले आए थे? क्या कारण था, क्यों मारने के लिए लाए थे? वो साल भर से ज्यादा आपके घर से भागने बात है, वो घर में रहती थी तो अच्छा से नहीं रहती थी वो। अच्छा, तुम भी तो दूसरी शादी की हो? इन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। शादी नहीं किया था सर। उसको रखे हो तुम अंबिकापुर में? रखे नहीं है, मतलब साथ में काम करते थे तब कोई पिपरी के जंगल में दिनांक 23 को दो डेड बॉडी बरामद हुई, एक महिला की और एक छोटी बच्ची। और उसके पास कुछ कपड़े लत्ते बरामद हुए थे और एकदम अज्ञात सा था मामला। उसमें हमारी स्वाट टीम ने और पिपरी थाने की पुलिस ने सम्मिलित रूप से कार्रवाई की और बहुत हिकमत अमली से, बहुत मैंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉम्पिटेंस दिखाते हुए वाड्रफ गंज से अभियुक्त को गिरफ्तार किया। ये इसने पूरी चीज़ एक्सेप्ट की है। पारिवारिक विवाद में, आपसी झगड़े में इसका संबंध एक दूसरी स्त्री से हो गया था, जिसको लेके इसकी पत्नी को दिक्कत थी। वो झगड़ा करती थी, उसे झगड़े से को ख़त्म करने के लिए ये उनको रेनकूट मजदूरी के नाम पर लेकर आया और यहाँ पर जंगल में ले जाके उसने उनकी दोनों की हत्या की। सर, पुलिस तो कैसे पहुंची सर? पुलिस को क्या सुराग मिला, कैसे क्लू क्या मिला? अज्ञात लाश थी, कैसे वहाँ पर एक सिम मिला था जो नष्ट करने का प्रयास किया गया था, उसी को हम लोगों ने रिकवर किया और उसके ज़रिए फिर उस सिम के मालिक तक पहुँचे। सिम के मालिक के ज़रिए फिर इनके बारे में पता चला, उसको और एक्सप्लोर कर दिया, यहाँ तक पहुँच गया। सर, कोई इनाम भी, पुरस्कार? हाँ, जो जिस टीम ने ये पूरा घटना वर्कआउट की और अरेस्ट किया है उनको 10,000 रुपये का नगद पुरस्कार पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा स्वीकृत किया गया।